अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और जी, हम तैयार शहर होके जा रहे हैं अभी पास ही मार्केट में, तो चलते हैं। मैं इधर बैठूं जी। तो हम आए हैं कॉन्सर्ट पे। हाँ जी, कॉन्सर्ट पे आए हम। ये सामने हमारी स्क्रीन लगी हुई है, तो जल्दी जल्दी से बस भागम भाग तैयार होके हम पहुंच तो गए हैं यहाँ। ये अभी चेयर्स हैं और वहाँ पर सारे अभी खाने पीने की भी स्टॉल्स वगैरह भी अरेंज हो रहे हैं। हम जल्दी आ गए, हम सबसे पहले आ गए। हमने ज्यादा पैसे खर्चे हुए थे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक देखें। मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे पास है। आवाम देखे हमारे, जरा वीडियो मूवी देखने आए हुए हैं। चीफा एंड चीफा के चीफा एंड ट्रबल। हाँ जी जी साथियों, हम वापस आ चुके हैं और रात का टाइम है और हम अभी अभी वापस आए हैं। ये देखिए आज हमारी थी मूवी नाइट, तो मूवी शूवी देख के वैसे ही इंजॉय करने का, मूवी देखने का तो इतना कोई ख़ास शौक नहीं था क्योंकि मूवियाँ तो बंदा देखता ही रहता। मूवियों की क्या बात है, बड़े शौक से पहन के गई थी मैं, ये पता नहीं नज़र भी आए वालों में कि नहीं, कहाँ नज़र आने थे। अच्छा जी, तो मूवी लगी हुई थी आज तीवा इन ट्रबल और काफ़ी सारे खाने के स्टॉल्स वगैरह थे, तो जब तक हम खाने वाली जगह पे पहुँचे तो जो रश था वो भी कम हो चुका था और चीज़ें काफ़ी सारी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मुझे इतनी कुछ ख़ास भूख भी नहीं थी, तो लक्की को आके हमने जगा दिया। ये देखिए मेरा प्यार प्यार सा लक्की, मेरी जान, खाना नहीं खाया है इसने, थोड़ा थोड़ा से खाया हुआ है। सोना प्यारा बच्चा जी। हाँ जी, तो हम वापस आ गए और आकर फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए पहले, और उसके बाद अच्छी तरह से अपना मुंह धोकर तो वज़ू किया। वज़ू करके सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं पहले नमाज जो है ना वो अपनी पढ़ लूँ, क्योंकि नमाज में फिर सुस्ती हो जाए ना तो बस सुस्ती ही हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर टाइमिंग की थोड़ा इशू था। मगरिब 6:15 का टाइम था हमारा वहाँ का, और 6:15 का टाइम था तो हमने कहा कि जल्दी फ्री हो जाएंगे हम लोग। अभी भी मेरे ख्याल में 11:30 तक हम फ्री हो गए थे वहाँ से, जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ था। तो मेरा आइडिया मुझे नहीं था इतना, मैंने कहा 10 बजे तक लिमिट होगी तो 10 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। तो बस जी, फिर ये हुआ कि वहाँ कुछ ज़्यादा ही देर, हम लोग 6:15 पहुँच गए थे वहाँ पर, और क्या था, 6:15 हम पहुँच गए थे, लेकिन हम पहले थे वहाँ एंटर होने वाले, और हमारे अलावा बच्चे थे, काफ़ी सारे बच्चे, ढेर सारे। आज मैं बच्चे देख के तो मैं बहुत दिल में खुशी थी, और मैं सोच रही थी कि इतने बच्चे हैं लोगों के, माशाल्लाह बहुत बच्चे हैं, तो लोग मेरे ख्याल में बस क्या कहूँ मैं, माशाल्लाह बच्चे ही बच्चे थे, हर तरफ बच्चे थे। अल्लाह ताला तमाम भी औलादों को औलाद अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारी खाली छुली भरे, हमारे घरों में भी ऐसी ही रेल फेल हो बच्चों की। अल्लाह ताला चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, अल्लाह ताला ही देने वाला है और वही हमारा राजिक है, मालिक है, ज़िंदगी देने वाला, मौत देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला, मेरे प्यारे अल्लाह ताला की ज़ात है। तो मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है कि वो हमें देगा, तमाम भी औलादों की झोलियाँ हैं जो भरेगा इंशाल्लाह ताला। कभी भी ना उम्मीद नहीं हूँ मैं उसकी ज़ात से इंशाल्लाह ताला। जहाँ इतने सारे बच्चे हैं तो मेरे हिस्से के भी बच्चे होंगे इंशाल्लाह, तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा जी, मैं तो और गप्पों में मसरूफ़ होगी। अच्छा, तो वहाँ पर फिर काफ़ी देर से सब कुछ शुरू हुआ, मैं भी 8 तो बच ही गए होंगे, क्योंकि 1 घंटा तो अदनान ने मुझे बताया ना कि हमें आए हुए 1 घंटा हो चुका है। अच्छा जी, 1 घंटा हो गया, फिर जो कुछ भी था वहाँ गुजार के। अच्छा, आज बड़ा अजीब सा वाकया था, लोग मुझे अजीब से देख रहे थे, पता नहीं मैं भूत नहीं लग रही थी मैं भी, पता नहीं जो कुछ भी था ना अजीब ही था। बहरहाल अल्लाह ताला माशाल्लाह लाहौला वाला कुआ था, अगर अच्छी लग रही थी, अगर बुरी भी लग रही थी तो भी माशाल्लाह लाहौला वाला कुआ था इला बिल्ला। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, मज़ा आया। तो खाने पीने का जो था, जब तक हम उठ के पहुँचे तो थी काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे भूख, मैं असल में मगरिब के बाद खा लेती हूँ खाना, तो कभी होता है कि 8 बज जाए, कभी देर नहीं होती है कि 8 बज जाए। तो आज तो काफ़ी देर हो चुकी थी, तो भूख जो थी वो थोड़ी सी मर चुकी थी। फिर हम घर आ गए, नमाज़ पढ़ी, अभी मैं आपके साथ गप्पे मार रही हूँ। तो बस अभी मैं अपना बिस्तर करूँगी और फिर मैं सोने की तैयारी करूँगी, और बस जी चलें जी, ठीक है, मिलते हैं एक नई सुबह के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ में रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आज जी हम लेकर आए हैं बाज़ार से चीकू, और ये चीकू और छिकू नहीं है, ये अदनान कहते चीकू, और ये बहुत ही खुशबू आ रही थी जब हम इनके करीब से गुजरे ना, तो माशाल्लाह। पहले कई जगह देखे छोटे छोटे थे, तो यहाँ पर इनका साइज़ ये देख लें, माशाल्लाह अच्छा साइज़ था। और अभी एक काटा है अदनान ने, बहुत मीठे हैं माशाल्लाह। क्वेटा में खाए थे पहले, अभी मैंने तो काफ़ी साल हो गए, तकरीबन 4 साल हो गए खाए हुए, अभी हम 4 साल बाद चीकू खा रहे हैं। और जी यहाँ पर हो रहा है दूध गर्म, और आज मैंने पकाया था आलू गोभी का सालन जो कि पका हुआ है, तो अभी बनाएंगे रोटी। ये देखें जी, ये हमारा प्यारा प्यारा सा लक्की, और लक्की का दिया है गंडेरी, और चीकू दिया है इसे, और ये बड़े वाले बीज मिले हमें यहाँ से, छोटे वाले नहीं मिले हैं, तो ये बड़े वाले सनफ्लावर सीड्स हैं, ये लक्की के लिए लेकर आए हैं। और लक्की अभी जो है वो अपना डिनर कर रहा है, ये देखिए और देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब, और मेरी तरफ़ से आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी अभी है सुबह का टाइम, और मैंने सूरत कहाफ तो मैं लाजमी पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, और ये नहीं कि उसके फ़ज़ाइल बहुत अच्छे हैं, एक कुदरती तौर पे उसके साथ लगाव है मेरा, और उसे मिस नहीं करने का दिल करता मेरा। और अभी मैं सूरत जुमा पढ़ रही हूँ, और जी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जुमे के पाक दिन के सदक़े हमारे लिए सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हम पे अपनी रहमतों का नज़ूल अता फ़रमाए, आमीन। अभी है जी रात का टाइम, और मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में आज बन रहा है जी आलू और चिकन, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे मैं आलू और चिकन बहुत कम बनाती हूँ, मैंने बहुत ही कम बनाया है। हाँ, मटन और आलू अच्छे लगते हैं तो वो बन जाते हैं, लेकिन अब आज कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से आलू एक पड़ा हुआ था, और जनाब छोटा सा चिकन का पोर्शन पड़ा हुआ था, फिर मैंने चीज़ें बना ली हैं सारी बीच में, और यहाँ पर सालन का सामान हो रहा है, सालन बन रहा है मींस। और यहाँ पर जी फटाफट से मैं बना रही हूँ मुल्लू के पराठे, क्योंकि ये जो है वो मैं सुबह यूटिलाइज़ कर लूँगी सालन, और अभी जो उनसे हैं वो हमने शौक से खाने हैं मूली के पराठे, और धनिया अभी इसके अंदर ऐड होना है। तो जनाब जल्दी जल्दी से करते हैं और काम अपना ख़त्म करते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। मज़ेदार से मूली के पराठे तैयार हो रहे हैं, सालन जो है वो मैंने तैयार कर लिए, और ये देखें कैसा खूबसूरत पराठा है ना। यहाँ पे मैं कर रही हूँ इस टाइम ज़ीरा साफ, और थोड़ा सा ज़ीरा था मेरे पास, तो इसमें ना काफ़ी छोटे छोटे से ना मिट्टी के पार्टिकल्स हैं ना, मैं दिखाती हूँ आपको,
जैसे ये है ना, तो फिर इसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है। कुछ इतने इतने होते हैं, कुछ इससे भी छोटे होते हैं। तो ये होता है कि फिर ना अगर आप किसी चीज़ में डालते हो ना, तो उस खाने में फिर आपको मिट्टी महसूस होती है, किरच आती है। तो फिर इनको साफ़ कर लेना चीज़ों को, ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे सूखा धना धनिया है, धना कह रहे हैं, धना सूखा धनिया हो गया, ज़ीरा। और अम्मी जान तो ना सारी चीज़ें साफ़ करके रखती थी। अच्छा, थकती भी नहीं थी, पता नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। थकती ही होंगी, क्यों नहीं थकती होंगी। तो अम्मी जान सारी चीज़ें साफ़ करके एक बार ही रख लेती होती थी। और जैसे दालें वगैरह मंगवाई हैं, दालें भी अम्मी जान ने साफ़ कर लेनी इकट्ठी। तो जैसे मूँगी मसर की दाल है ना, तो हाफ हाफ मंगवानी अम्मी ने। तो फिर ना उनको साफ़ करके तो इकट्ठा ही एक बोतल में डाल के रख देना, कि भाई ये बार बार मिलानी ना पड़े, एक साथ मिली हुई होती थी। उसी को अम्मी ने निकालना और अम्मी ने पका लेना। तो सीखने की तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बंदा अपने बड़ों से सीखता है, सियाने लोग। हम तो कहाँ हैं, हम तो बन ही नहीं सकते। वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ, मैं सुस्त और